हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है और कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। बेसिकली जब एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सूत्रों के हवाले से आपको एक खबर बताई थी कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 10 से 15 दिन में आ जाएगा। लेकिन वो रिज़ल्ट तो नहीं आया, लेकिन हाँ मुझे व्यूज़ अच्छे मिले थे उस वीडियो पर। तो जब व्यूज़ अच्छे मिले तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाई जाए। तो फिर मैंने एक वीडियो और बनाई, कट ऑफ की वीडियो। तो मैंने बोला था कि कट ऑफ आपकी ये रहने वाली है, 45 से 50 क्वेश्चंस ठीक हैं तो आपका हो जाएगा, रिजल्ट आपका इतनी देर में आ जाएगा। तो कट ऑफ वाली वीडियो में मैंने रिजल्ट वाला भी थंबनेल बना दिया था, तो व्यूज़ उसके ऊपर भी मुझे अच्छे मिल गए थे। तो दो वीडियोज़ बना के मैं दो बार टाइम वेस्ट मैंने आप लोगों का किया। उसके बाद मैंने फिर से एक वीडियो बनाई थी कि आपका 20 नवंबर के आसपास सूत्रों के हवाले से रिज़ल्ट जो है वो आएगा, ऐसा पता लगा है। तो वो सूत्र भी सारे फेल हो गए थे और वो हवाला भी सारा फेल हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिले उस वीडियो पे। जैसे कि इस वीडियो पे भी आप देख लेना, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी कांस्टेबल की जो भर्ती है हरियाणा में वो सबसे बड़ी भर्ती है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स उसके अंदर अप्लाई जो है पेपर जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने दिया था और रिज़ल्ट का वेट जो है वो सब कर रहे हैं फिजिकल के लिए। लेकिन ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ और इसके नीचे मैं लिख दूंगा रिज़ल्ट, HSSC कांस्टेबल रिज़ल्ट अपडेट, जिसको देख के लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना टाइम वेस्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जो है 1.5 मिनट के आसपास टाइम हो चुका है और मैं वीडियो को मैं बोलूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैं रिज़ल्ट जो है उसकी अपडेट जो है वो आपको देने वाला हूँ, जो कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में भी मैं आपको यही बात बोलने वाला हूँ जो मैं अभी थोड़ी देर में बोलूँगा, आपको पता लगेगा कि मैं क्या बात बोलूँगा। लेकिन इस तरीके से मैं इधर उधर की बातें कर करके आपकी 3 से 4-5 मिनट में आपकी वेस्ट करूँगा, जो हो सकता था 5 मिनट आप अपना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आप वो 5 मिनट अगर लगाते तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहता। उसके बाद फिर मैं HSSC से जुड़ा हुआ अगर कोई भी छोटा मोटा कोई अपडेट आता है, जो कि हमें नॉर्मली पता लग जाता है, HSSC की वेबसाइट पे नोटिस पढ़ के हम पता कर सकते हैं, हम 12th पास ग्रेजुएट पास स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी हमें यूट्यूब पे ऊपर आना पड़ता है, वीडियो क्लिक करना पड़ता है, व्यूज़ बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब व्यूज़ के लिए ही तो हम काम कर रहे हैं, 2-4 व्यूज़ ज़्यादा आते हैं अच्छा लगता है, मार्केट में पता लगता है कि भाई फलां बंदा जो है वो इतने सारे व्यूज़ ले रहा है। तो ये करते करते अभी आपकी 2-3 मिनट मैं वेस्ट कर चुका हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि HSSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट जो है वो कब आने वाला है। चूँकि ना ही मेरे कोई सूत्र है, ना ही मेरा कोई हवाला है, ना ही मेरा HSSC में कोई जानकार है और ना ही मुझे किसी बात का पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाऊँगा कि मुझे पता है कि रिज़ल्ट आपका कब आने वाला है। रिज़ल्ट आपका आएगा कब आएगा, जब आपके सारे एग्ज़ाम पेपर्स जो हैं वो चेक हो जाएंगे, हर कैटेगरी वाइज आपके क्वेश्चन पेपर्स आंसर शीट OMR शीट्स को चेक किया जाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल नॉर्मलाइजेशन से स्कोर नॉर्मलाइज किया जाएगा, आंसर की के हिसाब से एक्स्ट्रा नंबर जो मिल रहे हैं उसके हिसाब से, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका कट ऑफ स्कोर जो है, मिनिमम स्कोर जो है वो तय किया जाएगा। वो भी HSSC कभी नहीं बताती है रिजल्ट में कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है। लेकिन अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है एज ए ह्यूमन बींग, हमारा कर्तव्य एज ए कैंडिडेट, एज ए स्टूडेंट, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो एग्ज़ाम हम दे चुके हैं उस एग्ज़ाम की अपडेट्स के पीछे ना भागते हुए आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। मैं चाहूँ तो वीडियोस एजुकेशन की भी बना सकता हूँ, रोज़ाना मैं क्लास लेके पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आते ना, क्योंकि मुझे पता है हरियाणा के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कट ऑफ और आंसर की और रिजल्ट अपडेट से में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है रेदर देन कि उनको कंटेंट या फिर उनको पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। अब मैं क्या करूँगा, जब तक हमारा ये ग्राम सचिव वाले एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती है तब तक मैं ऐसे ही कट ऑफ पे, आंसर की पे, अपडेट्स पे ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा और मेरे पास व्यूज़ आते रहेंगे, बच्चे जुड़ते रहेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। फिर जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब मैं वीडियोज़ बनानी शुरू करूँगा ताकि तब एग्ज़ाम के टाइम पर बच्चे ज़्यादा व्यूज़ आएँ। उस टाइम पर पढ़ने का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, बस फिर भी व्यूज़ चाहिए ना, तो बनानी तो पड़ेगी, ठीक है। तो भाई सूत्र बूत्र मेरे सारे फेल हो गए हैं, मेरी सारी जानकारियां फेल हो गई हैं, क्योंकि ना HSSC ने तब रिजल्ट दिया, ना HSSC ने 20 को रिजल्ट दिया, ना HSSC ने 25 को रिजल्ट दिया। तो अब मैं आके उसको क्लेरिफाई भी नहीं करूंगा, मुझे भी पता है कि मैंने फालतू में वो वीडियो बनाई थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, लोग भूल जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
तो अब मैं आपको एक ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान की आपको ज़रूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है कि आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए, कट ऑफ वगैरह के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपडेट्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। उसके लिए आपको बार बार YouTube के ऊपर आके, जैसे आपने इस वीडियो में अपने 5 मिनट वेस्ट किए हैं, ऐसे आप अपने समय को वेस्ट ना करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। और मेरे सूत्रों के हवाले से अगले 8 से 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मेरे सूत्र फिर से फेल हो सकते हैं, इसलिए आप तैयार रहिए। दोबारा से सूत्र फेल होने के बाद मैं दोबारा से आऊँगा और आपको फिर से आपकी 5 मिनट वेस्ट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।